यूं तो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक लगातार शिक्षा माफिया से परेशान रहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में पहली बार शिक्षा माफिया पर चोट करने वाली कार्रवाई जबलपुर में हुई है। और एक इस कार्रवाई की शुरुआत की है जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना जी ने। दीपक सक्सेना जी ने लगातार इस मामले में अभिभावकों की शिकायत को सुनी, ओपन सुनवाई की, स्कूल वालों का पक्ष भी सुना और उसके बाद दोषी पाए गए 11 स्कूलों के खिलाफ सीधे FIR करते हुए 81 करोड़ रुपए की रिकवरी, जो अवैध रूप से या बढ़ी हुई फीस उन्होंने वसूल की, उसको वापस करने के लिए कहा है। 20 गिरफ्तारियां हुई, 80 लोग आरोपी बनाए गए। इस पूरे क्या ये पूरा मामला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जबलपुर के कलेक्टर दीपक सक्सेना सर हैं। उनसे पूछते हैं, सर ये बताइए, एक तो ये किस तरह का पूरा एक गठजोड़ है शिक्षा माफिया का, और ये कार्रवाई कैसे नजीर बनी आपकी? अब देखिए, एक मतलब पूरा एक सिंडिकेट बन चुका है, कई सालों से ध्यान नहीं गया तो इन्होंने पूरा सिंडिकेट बना लिया, जिसमें स्कूल का जो प्रबंधन है वो बेसिक है, मतलब कि बैटल ऑफ फील्ड वही है, वहां से चालू होता है। पुस्तक के विक्रेता हैं, प्रकाशक हैं, इन सब लोगों ने मिलकर एक बिजनेस बना लिया, क्योंकि इस बिजनेस में कमीशन बहुत ज्यादा है, मार्जिन बहुत ज्यादा है, और चूंकि बहुत कम समय में फायदा हो जाता है, क्योंकि आपको यूनिफॉर्म बेचना है या आपको किताबें बेचना है, वो महीने डेढ़ महीने में बिकती हैं और महीने डेढ़ महीने में करके सारा काम कंप्लीट हो जाता है, तो इससे बेहतर फायदे का सौदा कुछ हो नहीं सकता। इन्होंने किया, सरकार ने इस चीज को समझा था और सरकार ने कानून बनाया था 2017 में, बहुत अच्छा एक कानून बना था। पर एक कानून की देखिए बात है, कानून आप बना देते हैं लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट होने में समय लगता है, अमल में आने में समय लगता है, कानून को जनता को भी आत्मसात करना पड़ता है, प्रशासन को भी करना पड़ता है, धीरे धीरे करके वो होता है। तो मुझे लगता है अब 6 साल का समय हो गया है, अब वो समय आ गया है जबकि ये कानून परिपक्व हो गया है, अब इसका पालन होना चाहिए, और यदि पालन होगा तो ये सिंडिकेट टूटेगा। तो जबलपुर में जो आपने लंबी जांच की इतनी, किस तरह का जोड़ था ये स्कूल, इन 11 स्कूलों के खिलाफ FIR की है आपने, किस तरह इन्वॉल्व थे इस प्रैक्टिस में वो? देखिए, दो तरीके से इन्वॉल्वमेंट का बड़ा क्लियर कट मिला है। नंबर एक, फीस की जो वृद्धि की गई है, फीस की वृद्धि करने में इन्होंने जो 2017 का जो अधिनियम है उसमें जो प्रोविजंस हैं उन सारे प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जानबूझ के किया है, और उस उल्लंघन को कोई दूसरा पकड़ नहीं पाए इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन को छुपाया है। ना इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट पोर्टल पर डाली, ना इन्होंने फीस वृद्धि की सूचना दी, इवन 10% से ज्यादा की फीस वृद्धि करी तो जिसके लिए कलेक्टर की या राज्य शासन की अनुमति की आवश्यकता है वो अनुमति इन्होंने प्राप्त की, बाले बाले फीस लेते रहे, रसीद बुद्ध छपा के किसी को कान दुकान खबर नहीं होने दी। तो ये सारी की सारी चीजें जानबूझ के की गई, क्योंकि आपको पता है कि आप फीस नहीं बढ़ा सकते, इसके बावजूद आप फीस बढ़ा रहे हो, तो जब आपको पता है कि सामने वाला पकड़ लेगा तो उसको खबर नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि कलेक्टर बहुत व्यस्त हैं, जिला शिक्षा अधिकारी बहुत व्यस्त हैं, उनके पास 1760 दूसरे काम है, तो आप ऐसे छुपा के आपने एक सिंडिकेट बना लिया, पीछे से आपने काम चालू कर लिया। दूसरा काम इन्होंने चालू किया किताबों के मामले में, किताबों के मामले में कमीशन को बढ़ाने के लिए। देखिए, एक बात है, यदि आप कोई भी बिजनेस करते हैं, हर बिजनेस में प्रॉफिट होता है, यदि आप किताब का बहुत ईमानदारी के साथ सिस्टमेटिक तरीके से भी यदि आप बिजनेस करेंगे तो वो 15-20% के प्रॉफिट वाला बिजनेस है। पर ये दुर्भाग्य है कि इन लोगों को 15-20% से पेट नहीं भरा था, इसको बढ़ाने के लिए ये क्या करते हैं, जरूरत से ज्यादा किताबें बस्ते में डाल दी। यदि 5 किताबों की संख्या है सरकार द्वारा निर्धारित, आपने 10 डाल दी, 15 भी डाल दी। दूसरा फिर आपने क्या किया, हर साल कमीशन चाहिए तो हर साल नई किताबें बदलने लगे, लगभग 70% किताबें हर साल बदली जाती, इस पर भी संतोष नहीं हुआ, क्योंकि ये किताबें यदि असली लेते तो असली किताबों पर आपको मार्जिन कम मिलता है। अब आपको इस पर भी संतोष नहीं हुआ तो आपने उन किताबों को डुप्लीकेट छपवाना भी चालू कर दिया। तो ये एक्चुअली एक इंतहा है, किसी व्यक्ति की जब नीड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है उसको इस बात का ध्यान नहीं रहता कि कितने पुण्य के काम में जुड़ा हुआ है वो, इसको शिक्षा देना से बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं। आपके इंफ्रा को देख के लोग आप पे भरोसा कर रहे हैं कि आप अच्छा ज्ञान दोगे, और उस अच्छा ज्ञान देने के चक्कर में आप भारी भरकम फीस वसूल कर रहे हो, नियमों के विरुद्ध फीस वसूल कर रहे हो, आप केवल सपने दिखा रहे हो, फर्जी किताबों से पढ़ा रहे हो। ज्ञान भी जो आप दे रहे हो, आपको पता है कि ज्ञान असली ज्ञान कहाँ है और फर्जी ज्ञान क्या है, आप कहाँ से ज्ञान दे रहे हो। तो मुझे लगता है ये सारी चीजों में इसको कहते हैं कि पाप का घड़ा कभी ना कभी फूटना रहता है, वो फूटा हो। तो ये एक एक, एक जो फिगर दिया आपने कि 11 स्कूलों में 81 करोड़ 30 लाख की फीस जो इन्होंने गलत तरीके से बढ़ा के ले ली, इसके अलावा एक अनुमान भी आपने व्यक्त किया कि जबलपुर में 1032 स्कूल हैं, अगर 60% स्कूलों में फीस बढ़ाई होगी तो करीब 260 करोड़ रुपए करीब करीब उन्होंने अवैध वसूली की है। तो अब जब एक फिगर है कलेक्टर की नजर में, एक आंकड़ा दिख रहा है, तो ये जिनकी जेब कटी उनको लौटाने के लिए कलेक्टर साहब क्या कर रहे हैं? ये पहली वाली जो कार्रवाई है, जो हमने 80 लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई की है जिसमें से कुछ लोगों को जेल भेजा है, वो एक सबक देने का तरीका है। वो एक देखिए, प्रशासन क्या है कि हमारा किसी के साथ राग किसी के साथ द्वेष नहीं है,
जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। उनके संभवतः किसी गलत ग्रह के चक्कर में पड़ गए हो, पर अब कुछ नहीं कर सकते। हमारा दायित्व तो ये है कि हम व्यापक हित को देखें। मैं एक मौका दे रहा हूँ लोगों को, एक मोटा मोटा आंकड़ा मैंने निकाला है कि कम से कम 250 करोड़ रुपए जो है गलत तरीके से फीस वसूल की गई है। मैं आपके माध्यम से अलग अलग मंचों पर सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप देख लीजिए, यदि आपने कहीं से कोई गलत पैसा ले लिया है तो कृपया करके उसको वापस कर दीजिए। एटलीस्ट आपको पहिया मूलधन ही वापस करने के कह रहे हैं हम, आपको ब्याज वापस करने का नहीं कह रहे हैं। 5-6 सालों का जो आपने ब्याज अर्जित किया, जो रोटेशन के रूप में उस पैसे को उपयोग किया है, उस पर हम कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए। आपकी सद्भावना का सम्मान करेंगे और हमारे यहाँ से हम कार्रवाई बंद कर देंगे। तो इसमें क्या किसी पेरेंट्स को क्लेम करने की जरूरत है, शिकायत करने की जरूरत है, या आपने कहा स्कूल खुद से अपना खुद का नियमन करें, खुद देखें और फीस लौटा दें? इसमें देखिए, मैं आपको एक बात बड़ी उससे कह रहा हूँ, किसी पेरेंट को कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं, उसको किसी तरीके कहीं कोई शिकायत करने की आवश्यकता नहीं। सारा रिकॉर्ड हमारे पास है, स्कूल मैनेजमेंट के पास है, जिस भी स्कूल में चाहे हम जांच कर सकते हैं और जांच करके हम पता कर सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि चूंकि 1037 स्कूलों की जाँच एक साथ संभव नहीं है, तो स्कूलों की जो लिस्ट है वो स्कूलों की लिस्ट छात्र संख्या के हिसाब से बना लें। यदि किसी स्कूल में 4,000-5,000 बच्चे हैं तो पहले उसको रख लें, फिर धीरे धीरे करके नीचे आए, तो हम ऊपर से चालू करेंगे। ताकि हम एक स्कूल में यदि जांच करते हैं, मतलब 6 साल की यदि हम जांच करते हैं और उस स्कूल में यदि 4,000 बच्चे हैं, तो हम लगभग एक साथ 25-30 हज़ार बच्चों को फायदा पहुंचा पाते हैं। तो हम एक स्कूल की जांच करके ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो उस तरीके से अब हम पूरे के पूरे जो जांच कार्रवाई हमारी उसको प्लान कर रहे हैं। जैसे आपने एक बात और कही कि 30 दिन में इनको मौका दिया गया कि 30 दिन में ये फीस जो है बड़ी वो लौटा दो, जिस तरह की इनकी प्रैक्टिस थी अभी तक तो किसी अधिकारी की, शिक्षा विभाग की या कलेक्टर की बात ही सुनते नहीं थी, इनकी प्रैक्टिस इस तरह की थी। तो अगर 30 दिन में उन्होंने फीस नहीं लौटाई तो अगली कदम क्या है? देखिए, मैं दो तरह की उम्मीद कर रहा हूँ। नंबर एक तो मैं रख रहा हूँ कि शायद ये लोग अपील करने जाएंगे तो अपील के क्या ग्राउंड्स रहेंगे वो मैंने आपको बता दिया कि डॉक्यूमेंट एविडेंस में ये लोग बहुत कमजोर है। दूसरा, मुझे लगता है चूंकि फीस का जो आंकड़ा है बहुत ज्यादा है, मतलब चूंकि इनने 6 साल में वसूल की और मैं 6 साल में वसूल की गई फीस केवल 30 दिन में लौटाने की बात कह रहा हूँ, तो हो सकता है इनके पास पैसा नहीं हो। दूसरा, मुझे लगता है कि ये लोग मेरे सामने शायद इस बात को लेकर आ सकते हैं कि आप हमें पैसा लौटाने के लिए कुछ समय दे दीजिए, 2 महीने का समय दे दीजिए, 3 महीने का समय दे दीजिए। इस तरह का यदि कोई आता है तो मैं उसका स्वागत करूंगा, उनकी मजबूरी को हम सुनेंगे और यदि हमको लगेगा लॉजिकल तरीके से तो हम समय भी दे देंगे। पर यदि कोई बिल्कुल ऐसे आ जाएंगे कि हमको तो देना ही नहीं है, तो जो भी लीगल कार्रवाइयां हैं वो कार्रवाइयां जब भी कंप्लीट हो जाएंगी, इसके बाद राज्य शासन ने एक्ट में ही प्रोविजन किया है कि यदि मान लो कोई स्कूल मैनेजमेंट पैसा वापस नहीं लौटाता है तो कलेक्टर के पास ये अधिकार है कि भू राजस्व की भांति बकाया की वसूली कर सकते हैं, जिसमें कुर्की की कार्रवाइयां भी होती हैं। मैं कुर्की की कार्रवाई नहीं करना चाहता, देखो मैं बड़ा ईमानदारी से बात कहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी की संपत्ति नीलाम करूँ, कोई नोटिस जारी करूँ, कोई डोंडी पिटवाऊं, लेकिन मजबूरी पड़ी, बच्चों के हित में मजबूरी पड़ी, तो प्रशासन ऐसा करने से भी शर्माएगा नहीं, संकोच नहीं करेंगे। मजबूरी में FIR कराई आपने, जब आपने उनको मौका दिया, जब उन्होंने स्वीकार नहीं की गलती, तभी आपने FIR। मैं बिल्कुल आपको इस बात को यही बात मैं कह रहा हूँ, मैं पूरा, यदि उनके पास पैसा नहीं है, पैसा जुटाने में समय है, मैं आज ही कह रहा हूँ कि मैं पैसे की जमा कराने की समय देने को तैयार हूँ। मुझे नहीं लगता, बच्चों को भी अर्जेंट नीड है कि यदि फीस देने, वैसे वो तो दे ही चुके हैं, यदि उनको देने का आश्वासन ही मिल जाता है तो मुझे लगता है वो ही काफी बेहतर होगा। तो इसलिए कुर्की जैसी कार्रवाई जो है वो मैं अभी हम तत्काल करने के मूड में नहीं है, हम एक समय देना चाहते हैं, उनकी मजबूरियों को समझना चाहते हैं, और यदि वो हमारे आदेश से व्यथित हैं और उनको लगता है कि हमने गलत आदेश किया है, जल्दबाजी में कर दिया, बगैर प्रॉपर देखे कर दिया, यदि उनका ऐसा दृष्टिकोण है, तो उनके पास एक लीगल फोरम है, वो राज्य स्तर की समिति को अपील कर सकते हैं, उनके जो भी लीगल, यदि वो वैसा करना चाहते तो अपील भी कर ले, वो अपील करने के बाद निर्णय होगा, उसके बाद हम निर्णय ले लेंगे क्या करना है। जिसमें से 3 मुख्य बातें, मतलब इनके जो प्रैक्टिस में था गलत तरीके से, एक फीस हो गया, कॉपी किताब स्टेशनरी हो गई, और तीसरा यूनिफॉर्म का मसला होता था। तो अब एक आपने बड़ी अच्छी पहल की, जो आपने पहली बार एक मेला लगाया, आपने पुस्तक मेला, यूनिफॉर्म मेला, तो ये इसको क्या रोकने का एक स्थायी समाधान हो सकता है, जो आपने मेले का कॉन्सेप्ट शुरू किया था? देखिए, मेला जो है ना एक प्रतिस्पर्धी मार्केट के लिए, जिसमें कि आपको सही दर पे सामान मिल सके, वो एक बेहतर उपाय है। और स्कूलों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो मेले से बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि सारी जो डिमांड है ना, उस डिमांड वो 10 दिन में निकल जाती है, इसके बाद साल भर कुछ नहीं बिकता। अभी जो यूनिफॉर्म वाली जो बात आप कह रहे हैं, यूनिफॉर्म के लिए मैंने हमारे यहाँ के जो स्वयं सहायता समूह है, उन स्वयं सहायता समूह को ऑन बोर्ड लेके आया हूँ। अगला मेला हम जो यूनिफॉर्म का लगाने जा रहे हैं,
वो जून के लास्ट वीक में लगाएंगे, जिसमें हम स्वयं सहायता समूह को कहेंगे कि वो अलग अलग स्कूलों की यूनिफॉर्म को तैयार करें और उनको सेल करें। मुझे लग रहा है जब SHG आएंगे, SHG के हमारे पास बड़ी भारी संख्या में महिलाएं हैं, और इन SHG को जब हम एक ओपन मार्केट देंगे कि आप जो है बाजार से कपड़ा खरीदिए कॉम्पिटेटिव रेट पर करिए, तो शायद ये यूनिफॉर्म वाला जो मसला है ये खत्म ही हो जाएगा। तो ये अभी जून में भी हम एक मेला लगाएंगे और फिर अगले साल मार्च में भी लगाएंगे। तो एक आखिरी बात, मतलब सबसे बड़ी इस सबके केंद्र में अभिभावक या बच्चा है, तो इस तरह के जब प्रशासन ने कार्रवाई की, पूर्व में भी होती थी, तो बच्चों को या अभिभावकों को थ्रेट करते थे स्कूल वाले, तो इस बार वो क्या निश्चिंत रहे कि नहीं उनके ऊपर कोई थ्रेट नहीं आएगा, ये जिम्मेदारी जबलपुर के कलेक्टर की, उनकी सुरक्षा या उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होगी? देखिए, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूँ लोगों से और अभी फिर मैं कह रहा हूँ, ये जो हमने अभी कल जो कार्रवाई की है बहुत छोटी कार्रवाई है, कुछ खास कुछ भी नहीं किया। मैंने क्या किया, एक FIR दर्ज कराई, FIR दर्ज होकर गिरफ्तारी होती है, आप गिरफ्तार होगा, एक आध दो दिन का रिमांड होगा, जमानत मिल जाएगी, आप बाहर हो जाओगे, ये ऐसी कार्रवाई नहीं। पर यदि बच्चों के साथ अन्याय होगा, यदि बच्चों के साथ क्लासरूम में यदि वो दिख गया कि आपके पिताजी ने शिकायत की थी और ये, तो फिर हम जरूर एक ऐसी नजीर पेश करेंगे जो कि लोग याद रखेंगे इसको। तो ये थे जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना, जिन्होंने जो शिक्षा माफिया की कमर तोड़ने के लिए जबलपुर कार्रवाई की, उसकी तारीफ पूरे मध्य प्रदेश में हो रही। और अब वो एक बार फिर ये बात कह रहे हैं कि अगर किसी भी स्कूल वाले ने बच्चों को या उनके अभाव को परेशान किया, तो ये तो छोटी कार्रवाई, फिर इससे बड़ी कार्रवाई झेलने के लिए स्कूल वाले तैयार रहे। अजय त्रिपाठी, ABP News, जबलपुर।